शाम शिक्षा मंत्री के साथ मीटिंग में ये बड़ा फैसला लिया। इस वक्त की सबसे बढ़िया और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में बैठने वाले हैं आपके भाई बहन, बैठने वाले आपके दोस्त यार बैठने वाले, तो आप तमाम छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, जिसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में अपने बोर्ड का नाम, अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके बोर्ड से आपके राज्य से जुड़ी कोई अपडेट निकल कर आएगी तो सबसे पहले आपको तक पहुंच जाएगी। दोस्तों आपको बताएं, सरकार आपकी बोर्ड परीक्षाओं को समय पर करवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन आपको बता दें बोर्ड परीक्षा को लेकर एक संकट के बादल मंडराने लगा है। दोस्तों आपको पता होगा कोरोना वायरस का कहर भारत में फिर से मंडराने लगा, पड़ोसी देश चीन में कई लोगों की मौत भी हो रही है। साथ ही आपको बताएं WHO स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है फरवरी मार्च के अंदर कोरोना वायरस का कहर भारत में 20% की आबादी संक्रमित हो जाएगी। दोस्तों इन सभी बातों को देखते हुए शिक्षा मंत्री का कहना है कि अगर बोर्ड परीक्षा के समय कोरोना वायरस का कहर ज्यादा तेजी से फैलने लगता है तो आपकी बोर्ड परीक्षा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जा सकता है, और जैसे कोरोना का संक्रमित कम होने लगेंगे तो आपकी बोर्ड परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। तो साथियों आप लोगों को इस पर क्या राय, शिक्षा मंत्री को क्या करना चाहिए, आपकी बोर्ड परीक्षा को समय पर करवाना चाहिए, उसे टाल देना चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बोर्ड परीक्षा 2023 से जुड़ी कोई भी अपडेट निकल करेगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले पहुंच जाएगी।